Hello dear juniors, I really hope that you all are in good health and you and your family is safe and sound. I am Shruti Pandheri Pandey and some of you know or some of you might not know that I scored 94.6% in my 12th board exam from PCM stream. So मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आई वुड बी मोर देन हैप्पी अगर मैं तुम लोगों को किसी भी तरीके से गाइड कर सकूँ, इंस्पायर कर सकूँ और मेरी दी हुई टिप्स तुम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हो. सो मैंने इस वीडियो को 3 parts में डिवाइड करा है. फर्स्ट इज इंस्पिरेशन, सेकेंड इज मेथड एंड थर्ड इज द फाइनल स्टेप. So talking about inspiration, I remember the first day of our 12th class, 16 March 2019, जब हम लोग सब क्लास में बैठे हुए थे एंड प्रिंसिपल सर केम इन एंड ही जस्ट केम टूवर्ड्स मी स्ट्रेट एंड इन हिज लाउड एंड क्लियर वॉइस ही टोल्ड मी कि श्रुति इफ़ यू गेट लेस देन 92% आई वोंट इवन गिव यू अ सिंगल अवार्ड इन नेक्स्ट एनुअल फंक्शन. एंड दैट वॉज अ रिमाइंडर फॉर मी कि यार लोगों को बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं मुझसे और मुझे भी उनके एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरना चाहिए. वो मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी कि प्रिंसिपल सर को मुझ पे इतना फेथ था जब मुझे खुद अपने आप पे इतना फेथ नहीं था. उस दिन मैंने एक चीज़ करी, जब मैं घर आई मैंने इंटरनेट खोला और प्रीवियस ईयर्स की मार्कशीट्स निकाली और उससे एक ये अपनी मार्कशीट बनाई. इसमें मैंने पूरा इसमें खुद कलर किया, इसे पूरा बनाया, अपना नाम लिखा एंड यहाँ पे जहाँ ग्रेड्स का मार्क्स कॉलम था मैंने वहाँ सब में 100-100 लिखा. सो द रीज़न मैंने 100 उसमें इसलिए लिखा बिकॉज द थॉट इन माई माइंड वॉज कि अगर मैं किसी चीज़ के लिए मेहनत कर रही हूँ सो वाई नॉट गिव माई कम्प्लीट 100% टू इट. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सोचते हैं ना कि 90% आ जाए बस तो 80 भी नहीं आते और जब हम सोचते हैं कि बस पास हो जाए तब शायद हम पास भी नहीं हो सकते. इसलिए हमेशा बहुत हाई गोल्स रखने चाहिए ताकि हम अपना एटलीस्ट उसमें अपना पूरा इनपुट अपना 100% दें. सो मैंने इस मार्कशीट को अपने सॉफ्ट बोर्ड पे लगा लिया था एंड मैं जब भी सुबह उठती थी सबसे पहले इसे देखती थी. जब भी मैं बहुत लेस मोटिवेटेड फील करती थी और जब भी मैं बहुत बोर फील करती थी तब मैं इसे देखती थी एंड आई यूज़ टू थिंक कि लोगों को मुझसे कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं एंड वाई आई एम स्टडिंग एंड ऑल द रीजंस विच आई हैड बिहाइंड इट. सो इट रियली केप्ट मी गोइंग. और जब ऐसा कहते हैं ना कि आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा चाहो तो एक्चुअली यूनिवर्स आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. बिकॉज मेरे 12 ईयर्स स्कूल के एक्सपीरियंस में आर प्रिंसिपल सर वॉज अकॉर्डिंग टू मी द बेस्ट बिकॉज ही ऑलवेज केप्ट सो मच फेथ इन मी एंड ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी अलॉट. ऑल आर टीचर्स, मतलब अगर कोई भी मुझसे पूछे ना तो आई वुड से कि मैंने जिन टीचर्स से पढ़ा है दे आर द बेस्ट एंड मैं किसी को भी कभी भी रिप्लेस नहीं करना चाहूँगी बिकॉज उन सब ने अपना 100% दिया है. इवन माई केमिस्ट्री वॉज सो वर्स एंड उसी ईयर अनिल सर आ गए एंड ही जस्ट डिड द मैजिक एंड आई गॉट गुड स्कोर इन केमिस्ट्री एज वेल. व्हाट आई मीन टू से हेयर इज कि तुम्हें कभी भी कोई प्रॉब्लम होना तो तुम्हारे पास बहुत सारे लोग हैं तुम्हें गाइड करने के लिए. सारे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, ऑल द स्कूल स्टाफ वर सो सपोर्टिव एंड अगर शायद ये लोग नहीं होते मुझे गाइड करने के लिए, मतलब मैं किसी से भी हेल्प मांगती थी एंड ऑल ऑफ देम वर ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी आउट देयर. सो इंग्लिश में एक फ्रेज है कि हेल्प इज गिवन टू दोज हु आस्क फॉर इट. अगर तुम्हें किसी की हेल्प चाहिए तो तुम उनसे पूछो एंड फिर तुम्हें वो हेल्प ज़रूर मिलेगी और इससे तुम्हारे पास एक बहुत अच्छा गाइडेंस भी होगा और तुम हमेशा मोटिवेटेड भी रहो. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, द मेथड. सो मुझे उज़्मा मैम ने बोला था एक बार कि हार्डवर्क तो सभी करते हैं लेकिन जब आप उसे एक प्रॉपर डायरेक्शन में देकर स्मार्ट वर्क करते हैं दैट इज़ द रियल थिंग विच गिव्स यू द राइट आउटपुट. सो मैंने हमेशा अंडर मुझे गाइडेंस तो हमेशा बहुत ही सारा मिला बट मैंने कुछ राइट मेथड्स को यूज़ किया जो मेरे लिए बहुत प्रोडक्टिव थे और जिनमें मैंने कम टाइम में बहुत ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाई मैं. सो ऐसे कुछ मेथड मैं आप लोगों को ज़रूर बताना चाहूँगी. द फर्स्ट थिंग वॉज लाइक दैट आई कट ऑफ ऑल द डिस्ट्रैक्शंस. मैं जितने भी सोशल मीडिया साइट्स पे थी मैंने सब को हटा दिया एंड मैंने
कोई भी बाहर के फंक्शंस में जाना बंद कर दिया. आई रिमेम्बर कि मैंने उस ईयर अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया था. एंड मैंने सारे ऐसे फंक्शंस वगैरह सब कुछ कट आउट कर दिया अपनी लाइफ से. एंड आई जस्ट यूज टू गो टू स्कूल. व्हेन आई कम बैक टू स्कूल आई जस्ट यूज टू सिट इन द रूम. आई स्पेंड माई होल डे इन द रूम. आई यूज टू डू एवरीथिंग हेयर. सो द पॉइंट आई वॉन्ट टू से कि अब जितने डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हो आपकी नेगेटिव वाइब्स उतनी दूर रहती हैं. एंड तब आपके पास कोई लोग नहीं होते ऐसे जो बोलते हैं आपको कि नहीं तुम ये नहीं कर सकती. सो दैट इज अ रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ नेक्स्ट कमिंग टू स्टडी पार्ट. मैं एक चीज़ अपनी बिल्कुल परसिस्टेंटली करती थी अपनी स्टडीज़ में कि मैंने जो भी पढ़ा है मैं सुबह उठकर एक बार उसको रिवाइज कर लेती थी. बिकॉज रिविजन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी. बिकॉज आई वॉजेंट अ पर्टिकुलर अर्ली राइजर क्योंकि मुझसे सुबह उठ के पढ़ाई नहीं होती थी. मैं सोती रहती थी तब. सो मैं स्कूल टाइमिंग्स में ऐसे करती थी कि आई यूज टू वोक अप एट 5:45 एंड मैं आधा घंटा देती थी अपने आप को फॉर द रिविजन जो मैंने रात में पढ़ा है. बिकॉज दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी. फिर मैं स्कूल पूरा अटेंड करती थी एंड मैं स्कूल से आके अपने आप को 2 hours देती थी फॉर द कम्प्लीट रिविजन. इससे मेरा जो पूरा सिलेबस चल रहा होता था, जो मैंने पहले चैप्टर्स पढ़े होते थे जिन्हें मैं भूल गई होती थी थोड़ा, वो सब भी रिवाइज हो जाते थे. सो दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. थर्ड थिंग विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी वॉज सेल्फ स्टडी. बिकॉज टीचर्स आपको कितना भी पढ़ा ले लेकिन अगर आप खुद उसका रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो तो उसका कोई भी आउटपुट नहीं आएगा. सर क्लास में कितनी भी प्रॉब्लम्स करा ले लेकिन अगर आप घर पर आकर उन प्रॉब्लम्स को खुद से सॉल्व नहीं कर रहे हो, खुद से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क. सैयद सर मुझसे हमेशा कहते थे कि प्रॉब्लम से तब तक फाइट करना चाहिए जब तक वो सॉल्व नहीं हो जाए. सो ट्रस्ट मी, ऐसे फेजेस आते हैं जब आप एक प्रॉब्लम को एक एक घंटा लेके बैठे रहते हो एंड वो सॉल्व नहीं हो रही होती हैं. बट फिर भी उस पर कभी भी गिव अप मत करा करो. अगर वो फिर भी सॉल्व नहीं हो रही तो टीचर से पूछो अगले दिन. अगर तब भी समझ नहीं आ रही तो फिर से पूछो. लेकिन अपने डाउट्स को कभी भी डाउट्स बने रहने मत देना. मेरी एक आदत ये थी कि मैं क्लास में हमेशा क्वेश्चंस पूछती थी. लाइक हर क्लास में मेरे कम से कम 2-3 क्वेश्चंस तो होते ही थे. एंड द बेस्ट पार्ट वाज कि टीचर्स कभी भी इरिटेट नहीं होते थे. दे वर लाइक ऑलवेज सो काम एंड सपोर्टिंग कि मैं जो भी क्वेश्चंस पूछती थी दे यूज टू हैप्पीली आंसर इट. सो क्वेश्चंस पूछने से कभी डरना मत. वो आपको सीखने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट आई मेड माई नोट्स. So I would give you the pictures of my notes as well. मैंने blue pen, black pen and highlighter and pencil and scale ये सारी चीज़ें करके एंड मैं ऑन द स्पॉट नोट्स बनाती थी. जैसे जैसे सर पढ़ाते जाते थे तभी नोट्स बनाती थी लेकिन मैं उनको बिल्कुल प्रॉपर रखती थी विथ टैग मार्क्स. क्योंकि प्रॉपर नोट्स बनाने का एक फ़ायदा ऐसा होता है कि आपको रिविजन में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है. एंड अब आप जब पन्ने पलट के देखते हो ना कि मैंने ये सब कुछ कर लिया तब एक अलग कॉन्फिडेंस आता है. लाइक एग्जाम के पहले मैं बस अपने नोट्स देख लेती थी, भले मैं कुछ पढ़ नहीं रही हूँ, बस आई जस्ट यूज टू स्वाइप द पेजेस एंड आई हैड अ डिफरेंट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि हाँ मैंने पढ़ाई करी है. एंड एक और चीज़ कि तुम लोग अपना टाइम ज़्यादा सेल्फ नोट्स बनाने में वेस्ट मत करना. क्योंकि हम क्लास में जो नोट्स बनाते हैं दैट आर रियली गुड. और जब NCERT पढ़ते हो और तुम्हें कुछ अलग पॉइंट्स मिलते हैं तब बस स्टिकी नोट्स लेना, उन पे वो पॉइंट्स लिखकर अपने फेयर नोट्स में, क्लास नोट्स में उनको लगा लेना. तो ऐसे तुम्हारा अपने सेल्फ नोट्स बनाने का टाइम भी बचेगा, तुम्हारे नोट्स प्रॉपर भी रहेंगे और तुम्हारे पास सेल्फ स्टडी का भी टाइम रहेगा. कमिंग टू द थर्ड पार्ट, द फाइनल स्टेप विच इज़ एक्चुअली एग्ज़ाम. एंड ये सिर्फ 12th वालों के लिए नहीं, ये बहुत, मतलब अब सब जो एग्ज़ाम दे रहे हैं सबके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल टिप्स लिखी हैं मैंने इसमें. सो फर्स्ट जो मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट हुआ अपने एग्ज़ाम्स में वो थी मेरी हैंड राइटिंग. बिकॉज मैंने मेरी 10th तक हैंड राइटिंग बहुत बुरी थी तो मैंने उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करी. एवरी ईयर आई यूज़ टू वर्क ऑन इट. आई यूज़ टू इम्प्रूव माई राइटिंग टाइप. आई यूज़ टू इम्प्रूव माई स्पीड ऑफ राइटिंग. एंड एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छे से याद है अपने एग्ज़ाम्स की कि जो राइटिंग मेरी फर्स्ट पेज पे थी वही मेरे लास्ट पेज पे थी. बिकॉज मैंने अपने पेपर को 30 मिनट पहले कंप्लीट करने की कोशिश करी थी और
अच्छी राइटिंग होने का एक बेनिफिट हमें ये मिलता है, स्पेशली थ्योरी पेपर्स और इंग्लिश में, कि जब आपकी राइटिंग बहुत क्लियर होती है और जब आपने सब कुछ एग्जैक्टली टू द पॉइंट लिखा है, तब एग्जामिनर को बिल्कुल भी स्ट्रेन नहीं होता इस पे उसे चेक करने में. ही जेन्युइनली यूज टू गिव यू द मार्क्स एंड वो एक अच्छी राइटिंग से इम्प्रेशन ही अलग पड़ता है. सो प्रेजेंटेशन कॉपी इज रियली इम्पॉर्टेंट फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू. मैं पूरी अपनी लाइन्स खींचती थी आंसर खत्म होने के बाद, एक पूरी एंडिंग लाइन खींचती थी स्केल से अपने, जहाँ पर भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे होते थे उनको मैं पेंसिल से, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, बस पेंसिल से एक बार उसमें एक छोटी सी लाइन खींच देती थी, तो उससे प्रेजेंटेशन अलग आती थी एंड एकदम से समझ में आता था कि बिल्कुल जब हम ऑन द पॉइंट लिखते हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट लिखते हैं और इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखते हैं, तो उसकी मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं. दैट इज़ वॉट आई थिंक. सेकेंड इज़, यहाँ पर मुझे लगता है मैंने थोड़ी सी गलती करी थी अबाउट द क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग थे, क्योंकि मैंने अपने क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने एक महीने पहले शुरू किए थे बिकॉज मेरा रिविजन कंप्लीट नहीं हुआ था. लेकिन आई वुड सजेस्ट कि तुम लोग स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छी पेस मेंटेन करके चलो एंड अपने जो रिविजन, अपने जो क्वेश्चन पेपर सॉल्विंग थिंग्स हैं उसको दो महीने पहले स्टार्ट करो एंड यूज, और 3 घंटे बिल्कुल टाइमर लगा के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना. सो उससे तुम्हें क्वेश्चन पेपर्स लिखने की बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलेगी, क्योंकि फिर तुम जब फाइनल एग्जाम में जाकर रियल क्वेश्चन पेपर दोगे ना, तब तुम्हें इतनी ज़्यादा नर्वसनेस फील नहीं होगी. एंड वॉट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन सॉल्विंग दोज क्वेश्चन पेपर्स इज टू एनालाइजिंग दैम, राइट? अपने हाथ में रेड पेन अगर तुम्हारे पास कोई चेक करने के लिए नहीं है, वरना तो टीचर्स को हमेशा दिखाओ, उनका गाइड, उनके इसमें चेक करवाओगे तो बिल्कुल तुम्हें अपनी मिस्टेक्स प्रॉपर समझ में आएंगी. लेकिन अगर कोई नहीं है तो खुद अपने क्वेश्चन पेपर्स को चेक करो रेड पेन लेकर, और देखो कि तुमने कहाँ गलती करी है एंड मेक श्योर कि जिन आंसर्स को तुमने गलत लिखा है या जिन फॉर्मूलाज को तुम भूल गए हो, उन सबको तुमने नेक्स्ट अटेम्प्ट में बिल्कुल सही लिखा है. एंड वन थिंग आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिकमेंड टू ऑल द साइंस स्टूडेंट इज मेकिंग अ फॉर्मूला डायरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक दिस इज माई डायरी ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मैंने चैप्टर 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक सारे फॉर्मूलाज लिखे थे. एंड जब भी मेरे पास थोड़ा सा भी फ्री टाइम होता था, जब भी टीचर्स एक्सचेंज हो रहे होते थे एंड इंस्टेड ऑफ डूइंग चिट चैट एंड गॉसिपिंग, आई जस्ट यूज टू ओपन दीज डायरीज एंड रिवाइज द फॉर्मूला. सो लाइक that worked like an elixir. So at the last I would like to say कि हो जाता है यार, बहुत अच्छे से हो जाता है. नर्वस मत होना, टीचर्स की बात सुनना, सारे क्लास टेस्ट को सीरियसली लेना, पूरा अच्छे से पढ़ाई करना. एंड द वन कोट इज कि अ मैन कैन डू वॉट अ मैन हैज़ डन, किसी और ने अगर करा है तो तुम भी कर सकते हो, तुम्हें भी पूरी कैपेबिलिटीज़ हैं. अपनी एबिलिटीज़ को कभी भी डाउट मत करना और कभी भी अपने आप को लिमिट मत करना. हैव फेथ इन यू एंड हैव फेथ इन ऑल ऑफ देम हु आर अराउंड यू एंड हु आर वर्किंग हार्ड फॉर यू. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट.